आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई हैं, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहां पर आज आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद, जिससे इकलौते चुने हुए सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, उनके आह्वान पर दिल्ली में एक आज आरक्षण बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। हालांकि ये रैली जो है रामलीला, ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर होनी थी, लेकिन पुलिस ने अंतिम समय पर उसकी परमिशन कैंसिल कर दी और अंत में उनको ये इंडोर स्टेडियम दिया। अगर स्टेडियम के अंदर जितने लोग हैं उतनी ही संख्या में लोग सड़कों पर और स्टेडियम के बाहर हैं, तो इस आसपास के इलाके में अगर कहीं भी जाएंगे पूरा इलाका आपको नीला नीला दिख रहा है और जय भीम के नारों से गूंज रहा है। ये सबसे बड़ी रैली आज क्यों करने की इनकी नौबत आई? इनका सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आरक्षण के अंदर वर्गीकरण और क्रीमिलेयर का सगुफा छोड़ा गया या टिप्पणी की गई या उस तरह के सजेशन दिए गए सरकारों करने को, उससे ये आहत है। हालांकि सरकार ने तत्काल उसके बाद इस फैसले को लागू करने से साफ मना किया, उन्होंने कहा हम इस तरह क्रीमिलेयर को लागू नहीं करेंगे और इसको नहीं मानते। इसके बावजूद इन लोगों का कहना है भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर इनको विश्वास नहीं है। जब तक लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जाता और आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डाला जाता, इसके अलावा जातिगत जनगणना और भी कई मुद्दे जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं, खासकर SC ST वर्ग और OBC की एकजुटता से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर ये महारैली की गई है। इसमें शामिल लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, जो क्या मांग लेकर आए हैं, वो क्या सोच रहे हैं और यहाँ से आगे का रास्ता वो लोग क्या देखते हैं, सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। आज की आरक्षण बचाओ रैली इस वजह करनी पड़ी कि आने वाला समय वो आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे बच्चे मेहनत करके ला रहे हैं और कमा के ला रहे हैं, वो हमारी कमाई छिनती नजर आ रही है। उसे उसकी सुरक्षा के लिए रैली करनी पड़ रही है, अपने हक अधिकार के लिए रैली करनी पड़ रही है। अगर हम अपना अधिकार मांगेंगे जब ही तो हम दूसरे की सुरक्षा करेंगे, जब अपने आप में मजबूत होंगे। दूसरी बात यह है, महंगाई देखो कितनी महंगी हो गई है, दाल देखो, सब्जी देखो, कुछ भी सब्जी ले लो, कोई भी कपड़ा ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, जितने वादा करे इस भाजपा सरकार ने, अगर आज तक कोई माइक लाल यू बता दे कि भाजपा सरकार ने एक भी वादा अपना सच करा, अपने वादे पर खरी उतरी हो, तो बताइए। समाज का आक्रोश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो समाज ने यहाँ अपनी प्रति देने का काम किया है कि अगर उसे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी वो पीछे नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 को ये फैसला आया था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करके उसमें वर्गीकरण किया जाए, उसके विरोध में ये आज प्रदर्शन हो रहा है। और या हम लोग इस बात की प्रति देने का काम कर रहे हैं कि सरकार को झुकना होगा। SC ST में बांटने जा रहे हैं, हमारा समाज एक है, ये दो कर दिखाना चाह रहे हैं। जो समाज को बाबा साहब के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, उस सुविधा को हम, जो बाबा साहब का कोडिंग चल रही थी अब तक, ये क्रीमिलेयर दिखा के उसे बांटना चाह रहे हैं, हमसे छीनना चाह रहे हैं। उस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जिस तरह हमें बाबा साहब ने दिया उससे भी आगे मजबूत करके खड़े हैं, उसको नहीं क्रीमिलेयर लागू होने देंगे, चाहे मोदी सरकार आए। भाई, सरकार के तो मंसूबे पूरे थे भाई को भाई से लड़ाने के, मगर जब सरकार को पता लगा ना कि अब ये बहुजन जाग चुका है, इनों का भी कोई शेर आ चुका है, सरकार तो कहा सरकार के, मैं कह रहा हूँ जो आने वाले जन्म जाते ना सरकार के, वो भी बदलेंगे। ये सरकार तो क्या दिन की सरकार है, ये ख़त्म है इनों की कहानी। पूरे संसार को पता है क्या हाल कर रहा है देश में। हम तो मरना है इनके जुम्मे, हमारी बात कोई मानने ना, परेशानी हमारी सही छापरी ने है रही परेशानी। भैया हाई कास्ट में जबरदस्ती मार रहे हैं, भैया बेईमानी से जीते हैं।
ईमानदारी से बेल रखे पर तो करा दे जो ये कभी भी जीत जाए हमारी गारंटी है। जितनी हमारी जनसंख्या है 85% में 15% राज कर रही है, आप यहाँ तो सोचो ना कर रहे हैं धोखो ना हमारे संग है ना धोखो सुनो या ना दे रहे हो गरीब को शोषण है सब माल डाल दे रहे हैं तो गरीबन ने दे रहे हैं गरीबन ने दे रहे हैं ना भैया ले बता कौन कौन ले रहा नौकरी बार एक ही बता सब ले रहे हैं भैया हमारा शोषण कर रहे हैं गरीबन को। वाल्मीकि समाज में हमारे भाई हैं और हम इस माध्यम से हम एक रह करके उनके हक देने के लिए और परसेंटेज बढ़ाया जाए आरक्षण की इस मांग के लिए हम लोग आए हैं। हम मांग के आए हैं जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी दो। हम 15 साल से ना उस माहौल में जी रहे हैं कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। हम उस माहौल में जी रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह वो लोग कह देते हैं बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ, हमने उनके मुंह से सुना है। हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं, अब समय आ गया है कि इनके झूठे नारों को जो है हम लोग नहीं समझेंगे, इनके जुमलेबाजी में नहीं आएंगे। और आज ये आंदोलन ये हमारा दूसरा चरण है, हमने इससे पहले एक चरण में जो है ज्ञापन के माध्यम से जो है अपने जनपदों के जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से ये मांग की थी कि इसमें जो है तुरंत इस फैसले को वापस कराया जाए और जब तक जो है जातिवाद इस देश के अंदर है तब तक जो है आरक्षण रहेगा और आरक्षण को नौवीं सूची में डाला जाए। अगर यहाँ भी ये लोग नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। इनकी इनकी मानसिकता देखिए, इन्होंने रामलीला मैदान की परमिशन को रद्द करने का काम किया, हमने फिर इंडोर इस कार्यक्रम को किया, आप देख रहे हैं कि भीड़ कितनी संख्या में है आज यहाँ पर। और जितना मेरा मानना है कि अगर रामलीला मैदान को आज तक कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन किसी भी जो है एक रैली के माध्यम से रामलीला मैदान को भरने में सक्षम नहीं रहा है, हमारा मानना ये था कि जो काम कोई ना कर सका हो रामलीला मैदान को भरने का वो काम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी करेगी, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये है। और अगर सरकारें नहीं झुकती हैं तो रामलीला मैदान को पुनः हम भरने का भी काम करेंगे, ये भी जो है आपके चैनल के माध्यम से भीम आर्मी की तरफ से समाज को आश्वासन। जो ये मनुवादी लोग हैं ये हमारे दलित समाज से घबरा गए हैं, अब उसको अलग थलग करने के लिए इन्होंने रिजर्वेशन में बंटवारे की बात की है, जबकि संविधान का ये रहा संविधान देख लो आर्टिकल 342 ये कह रहा है कि सिर्फ राज्यपाल को और संसद को ही रिजर्वेशन पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या करा, जब सुप्रीम कोर्ट को छेड़ने का ही अधिकार नहीं है उस आर्टिकल को तो फिर भैया आप उसमें क्यों जबरदस्ती पंगा कर रहे हो, तो उन्होंने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट से कहलवाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि भाई हम संविधान के ज्ञाता हैं, संविधान की हम व्याख्या करते हैं, आप आर्टिकल 342 पढ़िए, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर आप संसद जो है वो कानून बनाएगी, तो वो बनाएं वहाँ से बनवाएं और पास कराएं, जो होता वो देखा जाएगा। देखो आरक्षण पर खतरा इसलिए आया क्योंकि एक तो जो आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति जो ओबीसी समाज है इसके अंदर क्रिमिनली लगाया गया, और दूसरा आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है, आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है और इस कोटे को जो क्या नाम है अभी भी 4 करोड़ नौकरियां बाकी हैं, तो इसलिए आरक्षण के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दूसरा ये जो है क्या नाम है इसके अंदर बंटवारे का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्तव्य दिया है, अब इसके अंदर देखिए कितनी जालसाजी की गई है कि 7 जज हैं, एक जज ने उनको मना कर दिया है, रह गए 6 जज, 4 जजों ने समर्थन दिया है और 2 ने जजमेंट दिया है, तो क्या 4 जजों ने अपना जजमेंट क्यों नहीं दिया, उन्होंने समर्थन क्यों किया, क्योंकि उनको जजमेंट देना आता ही नहीं, ये कॉलेजियम का जो कॉलेजियम का सिस्टम है ये इनकी योग्यता है, क्योंकि अगर इनको जो ये जजमेंट देते तो मान्य है CJI जी उन जजमेंटों को पढ़ने के बाद और संविधान की सुरक्षा में उनको क्या करना है उसी तरह का प्रक्रिया का न्याय होता है। भाई सरकार जो इस देश के मूल निवासी हैं उन्हें तो सता रही है, पूरा संसार नमन करता है महामानव बाबा साहब को, ये स्टैचू भी हटवा रही हैं, हमारा संविधान संशोधन कर रहे हैं, हमारे हक अधिकार
ये सब खत्म करने जा रही है सरकार। कब तक हम जुल्म सहेंगे इनों के? बाबा साहब ने भी कहा था जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाले गुनहगार होता। तो अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं भाई शेर चंद्रशेखर आज़ाद। इस टाइम एक शेर आ गया है संसद में धाड़ रहा, पूरे देश को पता लग गया भाई इस टाइम बहुजनों का शेर आ चुका है। छोड़ेंगे नहीं, आज ही घुटने टिका देंगे सरकार के। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जैसा कि अपनी वीडियो की बातचीत में लोगों ने सुना, इनका साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वर्गीकरण का सगुफा छोड़ा है उसके खिलाफ है। समाज में किसी तरह का बंटवारा नहीं है और ये जो रैली थी ये एक मैसेज देने के लिए है, जो समाज एकजुट है। ये आरक्षण में बंटवारा और समाज के अंदर बंटवारा जो है एक तरीके से आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था होने के बावजूद बड़ी संख्या में सरकारी व्यवस्थाओं के अंदर जो सरकारी पद हैं जो आरक्षित हैं दलित और वंचित समाज के लोगों के लिए वो भी खाली पड़े हैं। पहले जब वो नहीं भरे जा रहे उसके अंदर और एक वर्गीकरण करना कितना उचित है। इसके खिलाफ ये रैली है, इस रैली में इनका साफ कहना है सरकार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले जिससे आगे इस तरह की चर्चा ना हो और आरक्षण पर बदलाव की और जो बीच बीच में चर्चाएँ उठती रहती हैं आरक्षण ख़त्म करने की, इस सगुफे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। ये एक मांग, बड़ी मांग है। इसके अलावा इन्होंने साफ कहा है अगर आरक्षण पर बंटवारे की कोशिश या ख़त्म करने की कोशिश हुई ये तो एक झांकी है, इससे बड़ी रैली और जनसैलाब दिल्ली की सड़कों पर आएगा और सरकार और प्रशासन से संभले नहीं संभलेगा। ये इसको एक चेतावनी की तरह ये लोग बता रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।